gifted and talented children. So why we are using two words gifted and talented as we common perception. We have that gifted are talented and talented are gifted. So why we are using these two terms. So I think there is a uh, we need to know the slight difference between these two terms gifted and talented and uh, Gane defines gifted children as those who have high levels of innate ability innate ability intelligence or हाई एप्टीट्यूड भी हो सकता है किसी भी ख़ास प्रोफेशन के लिए तो इन एनी डोमेन ऑफ ह्यूमन एबिलिटी दैट प्लेसिज़ दैम इन द टॉप टेन परसेंट ऑफ देयर एज पीयर्स इवन इफ देयर हाई पोटेंशियल इज़ नॉट येट बीग डेमोस्ट्रेटिड एज हाई परफॉर्मेंस चाहे हाई परफॉर्मेंस वो भी नहीं दिखा सके लेकिन उनकी जो इेट एबिलिटी या इंटेलिजेंस है उनकी वो किसी भी शोबे में वो कामयाब हो सकते हैं क्योंकि उनको अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास जो है वो एक एबिलिटी जो है वो अता की गई है तो इसको गिफ्टेड कहा गया है अब टैलेंटेड चिल्ड्रन बाय कंट्रास्ट आर दोज हुज़ एबिलिटीज़ हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसलेटेड इनटू अचीवमेंट्स और वो बच्चे ये हार्ड वर्कर भी हो सकते हैं ये हार्ड वर्कर भी हो सकते हैं इतने जो है वो सुपीरियर इंटेलिजेंट नहीं हो सकते लेकिन अपनी हार्ड वर्करनेस की वजह से ये किसी न किसी टॉप मैनेजमेंट में जो है वो पहुँचते हैं तो इसलिए इनको टैलेंटेड का लफ्ज़ कहा गया कि इनकी इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी क्योंकि हम इंटेलिजेंस वाइज़ गिफ्टेड चाइल्ड को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि उनकी इंटेलिजेंस जो है वो वन फोटी क्वेश्चन से ज़्यादा होती है अब हो सकता है इन बच्चों की जो इंटेलिजेंस है वन ट्वेंटी तक हो लेकिन चूँकि ये हार्ड वर्कर बहुत ज़्यादा हैं इन्होंने अपनी मेहनत के साथ जो है वो मुकाम हासिल किया है इंटेलिजेंस भी है और मेहनत भी है तो इसलिए इनको टैलेंटेड कहा गया कि ये इनकी अचीवमेंट के साथ इनको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है जबकि गिफ्टेड के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसने अचीवमेंट्स दिखाई हों बल्कि उसको जिस भी हम शोबे में जो भी उससे काम लेते हैं वो बेहतरीन काम करता है अपनी के केबार से तो गिफ्टेड बच्चे जो भी हैं वो भी जो है तादाद में कम है और इसी तरह से टैलेंटेड भी है कम होते हैं लेकिन स्लो लर्नर जो हैं वो भी कम होते हैं अल्लाह ताला ने दो तकसीम जो जो जो, जो इंसानों को तकसीम किया तो दो ग्रुप्स जो हैं एक गिफ्टड बच्चों का ग्रुप है और एक स्लो लर्नर्स का ग्रुप है इनको कम तादाद में पैदा किया ताकि माशरे में बैलेंस रहे और जो एवरेज ह्यूमंस हैं उनको ज़्यादा तादाद में पैदा किया ताकि मल्टीपल प्रोफेशंस को जॉइन कर सकें इस वजह से गिफ्टेड और टैलेंटेड में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि जो गिफ्ट्स नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं जो गिफ्ट गिफ्टेड के अंदर हैं जबकि जो टैलेंट्स हैं ये सिस्टमेटिकली डिवेलप स्किल्स हैं हम एक सिस्टम में उनको रखते हैं जैसे एक uh, नया इंसान जो है वो किसी प्रोफेशन को जॉइन करता है तो विद एक्सपीरियंस वो इतना अच्छा मेचोर Uh, उस मशीनरी को यूज़ करने लग जाता है जिस मशीनरी के आगे उसको खड़ा किया जाता है कि उसको मजीद इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसका एक्सपीरियंस उसको हेल्प कर रहा है कि वो इस सिस्टम को जो है वो बूस्ट कर बूस्ट अप कर सकता है या इसी सिस्टम की वजह से एक नया सिस्टम भी डिवेलप कर सकता है तो गिफ्टड चिल्ड्रन जो हैं ये सिस्टम मेकर होते हैं और ये मास्टर माइंड्स होते हैं और ये आपको जो है वो नए सिस्टम्स जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं और क्योंकि ये ज़्यादातर इन की जो पर्सनालिटी है वो इंट्रेंसिक uh, पर्सनालिटी कहलाती है और एक्सटर्नल uh, इनकी पर्सनालिटी इतनी सोशल नहीं होती और ये अपनी दुनिया में चूँकि मगन रहते हैं क्योंकि हर वक्त इनकी एक ख्याली दुनिया जो है उसमें ये बैठ के आइडियाज़ जो हैं वो आ रहे होते हैं इनको और uh, उन यूनिक आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये उसके बारे में प्लानिंग करते रहते हैं इसलिए ये इतने ज़्यादा सोशल नहीं होते बल्कि इनकी अपनी एक दुनिया है आइडियाज़ की दुनिया ख्याल की दुनिया जिसमें ये मगन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए लोगों के साथ सोशलाइजेशन जो है वो इनकी इतनी अच्छी नहीं होती इनके अंदर इतनी कोई एडजस्टमेंट की सोसाइटी के साथ ख्वाहिश भी नहीं होती और उसके साथ साथ इनका एक सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उसको हमेशा ये चैलेंज करते हैं और इनका जो आर्गू करते हैं कि ये चीज़ जो हो रही है ये गलत है तो क्यों हो रही है हर चीज़ की ये लॉजिक मांगते हैं क्योंकि इंटेलिजेंस की वजह से ये हर सिस्टम को रूट से समझना चाहते हैं और ये फॉलोअर्स नहीं होते बल्कि ये सिस्टम मेकर होते हैं सिस्टम जनरेटर होते हैं और ख़ुद से एक मैनेजमेंट जो है वो बनाने वाले होते हैं इसलिए ये लीडर्स होते हैं बाय बर्थ और बॉर्न लीडर्स भी आप इनको कह सकते हैं किसी भी शोबे में ये जाते हैं तो वहाँ पे अपनी इेट एबिलिटीज़ की वजह से जो है वो नए आइडिया के साथ जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं सो so, गिफ्टेड और टैलेंटेड में फ़र्क ये है कि टैलेंटेड जो हैं वो एक ख़ास ख़ासवॉयरमेंट के अंदर काम करने की वजह से और अपने एक्सपीरियंस की वजह से जो है वो अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश कर सकते हैं जबकि गिफ्टेड चाइल्ड जो है ये अपनी बाय बर्थ ही एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा लेके आता है कि इसको किसी भी सिस्टम में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि ये सिस्टम जो है वो आपको नया बना के देते हैं जिसको आप लोग जो है वो आगे टैलेंटेड को हायर करके उसमें उस सिस्टम को जो है वो चला सकते हैं आप